नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि टिंडे की सब्जी कितनी फायदेमंद है शरीर के लिए। जी हाँ, टिंडा जो है दक्षिण एशिया में सबसे अधिक पसंद करने वाली सब्जी है। टिंडा हृदय रोग और गुर्दे व मूत्राशय की पथरी के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। टिंडा एक्चुअली वनस्पतिक शाक वर्ग का एक ऐसा फल है जो सब्जी के अंदर बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश पंजाब राज्यों में इसकी खूब खेती होती है और गर्मियों में और बरसात तक, गर्मियों से लेकर बरसात तक ये बाजार में काफी मात्रा में मिलता है। और इसका ये कहा जाता है कि टिंडा भारत और पाकिस्तान में सब्जियों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ये आपके शरीर की एसिडिटी को नियंत्रित करता है। इसमें लगभग 94% पानी होता है और खेती वाली सब्जियों में जैसे लौकी, तोरई, तरबूज, खरबूजा, पेठा, खीरा, टिंडा, करेला, इन सब मैदानी भागों में मौसम में मार्च से लेकर जून तक की जाती है इन लोगों की खेती, इस तरह की सब्जियों की खेती। और इनका जो रंग रूप है ये एक लता के फल के रूप में होता है। इसकी लता को ऊपर तक बढ़ाया जा सकता है या फिर इसे छत पर या आप किसी जाली पर इसको फैला सकते हैं। और इसके फल जो है सामान्यतः 2 से 3 इंच के गोल गोल होते हैं, जो गहरे हल्के और हल्के। फलों के अंदर कमाल की चीज ये है कि इसका असर, ये कच्ची अवस्था में भी ये नरम सफेद और छोटे होते हैं, लेकिन पकने के बाद थोड़े से काले और बड़े हो जाते हैं। कच्चे टिंडे के बीज में फल बहुत मीठे होते हैं और इसका इस्तेमाल सब्जियों में बहुत लोग करते हैं। टिंडे के अलग अलग नाम लोग लेते हैं, टिंडिशा है, रोमेश फल है, मुनि निमित है, अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे। इसके अंदर जो रासायनिक संगठन है वो बहुत कमाल का है। लगभग 100 ग्राम टिंडे में जल जो है 93.5 ग्राम है, प्रोटीन 1.4 ग्राम है, वसा जो है 0.2 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 3.4 ग्राम है, जो कैल्शियम है वो 2.5 और फॉस्फोरस 24 मिलीग्राम, लौह तत्व 0.9 मिलीग्राम, कैटरीन 13 मिलीग्राम, थायमिन 0.04 मिलीग्राम और रिबोफ्लेविन 0.08 मिलीग्राम इसके अंदर पाया जाता है। इसमें विटामिन सी 18 मिलीग्राम, इसमें ऊर्जा 21, और मतलब ये मान के चलिए ये सारा का सारा जो टिंडा है, टिंडे की जो सब्जी है वो कमाल है। आपके शरीर के अंदर कितना फायदा करती है ये, इसका शायद आप लोगों को अनुमान नहीं होगा। आप इसका इस्तेमाल करें, देखिए फिर आप इसका बड़े, और इसकी जो टेंडेंसी है, इसकी जो फितरत है, इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, शीतल होती है, रुचिकारक होता है, मतभेदक होता है, अत्यंत शीतल, वातजनक, रक्ष मूत्र को लाने वाला और पित्त को दूर करने वाला और आपके गुर्दे की पथरी को खत्म करने वाला। इसके फूल अपने औषधीय गुणों के कारण अनेक रोगों का शमन करते हैं। इसकी पूरी तरह से बीजों को सुखाकर भून लिया जाता है, उसके बाद नाना रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। सभी रोगों में टिंडे की सब्जी बहुत ही फायदेमंद होती है और भोजन में तो आप इसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं, भोजन के अंदर बनाइए। और ये बहुत कमाल का होता है, लौकी जैसा होता है, लौकी लंबी होती है, ये गोल होती है, आप इसे बनाकर खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत कमाल की चीज है। इसके कुछ नुस्खे हैं जो हम आपको बताते हैं। जी हाँ, हल्के ज्वर में टिंडे की सब्जी का सेवन करने से ज्वर ठीक हो जाता है। टिंडा उच्च रक्तचाप को कम करता है, वह मूत्रवर्धक होता है। टिंडा शरीर और शरीर को तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ये सोचिए कि टिंडा जो है आपके शरीर को और आपके शरीर के हिस्से में जुड़ा हुआ जो सिर है उसको शक्ति प्रदान करता है और शरीर को स्वस्थ व शक्तिशाली रखता है। टिंडे के 50 मिलीमीटर रस में 0.70 ग्राम जवाखार मिलाकर गुनगुना करके कुछ दिनों तक सेवन करने से पथरी गल जाती है। देखिए कमाल की चीज है, टिंडे के 50 मिलीमीटर रस को 0.70 ग्राम जवाखार, इसको मिला ले और गुनगुना करके कुछ दिनों तक सेवन करने से आपकी जो पथरी है वो गल जाती है। तो हमने आपको बताया कि टिंडा कितना फायदेमंद है शरीर के लिए, आपको हार्ट के लिए भी कितना फायदेमंद है उसकी तासीर, इवन पथरी आपकी निकलती है, आपका ब्लड प्रेशर रिलैक्स होता है, आपके ब्लड प्रेशर में आराम मिलता है। तो
टिंडे को सब्जी के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा, खाइएगा, मजे लीजिएगा, खुश रहिएगा और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, हमको टिप्पणी करते रहिएगा। हमारे दूसरे चैनल भी है, शुरुआत जी सुप्रभात, शुरुआत जी लफ्जों की गूंज, इस चैनल पर भी जाएंगे आपको तो बहुत सी चीजें मिलेंगी जिसमें ज्ञान भी होगा और आपको आनंद भी आएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।